अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक रूमी बगदाद आया, उसने वहां के हाकम से कहा कि मेरे 3 सवाल हैं, अगर आपकी सल्तनत में कोई ऐसा आदमी हो जो मेरे इन सवालों के जवाब दे सके तो उसे बुलाएं। हाकम ने ऐलान कर दिया, सारे उलमा जमा हुए। अमाम साहब अभी छोटे ही थे, वो भी वहां मौजूद थे। रूमी एक ऊंची सी जगह पर जिसे मिंबर कहते हैं चढ़ गया और उसने 3 सवाल किए। सवाल ये थे कि बताओ खुदा से पहले कौन था, बताओ खुदा का रूह किधर है, बताओ खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। सब ने सवाल सुनकर सब खामोश हो गए। अमाम साहब आगे बढ़े और फरमाया, इन सवालों के जवाब मैं दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आप मिंबर से नीचे उतरें। और वो आदमी नीचे उतर आया और इमाम साहब उसकी जगह पर जाकर खड़े हो गए। रूमी ने पहला सवाल किया, बताओ खुदा से पहले कौन था। इमाम साहब ने उससे कहा, गिनती गिनो। रूमी ने गिनना शुरू की। इमाम साहब ने उसे रोक दिया और कहा, 1 से पहले गिनो। रूमी बहुत परेशान हुआ, कहने लगा, 1 से पहले तो कोई गिनती नहीं है। इमाम साहब ने फरमाया, बस खुदा से पहले भी कोई नहीं है। फिर रूमी ने दूसरा सवाल किया, बताओ खुदा का रूह किधर है। इमाम साहब ने एक मोमबत्ती जलाई और रूमी से पूछा, बताओ इसकी रोशनी का रूह किधर है। रूमी कहने लगा, सब तरफ है। इमाम साहब ने फरमाया, इसी तरह खुदा का रूह भी सब तरफ है। इसके बाद फरमाया, तुम्हारा तीसरे सवाल का जवाब कि अल्लाह ताला की जात इस वक्त ये कर रही है, उसने तुम्हें मिंबर से नीचे उतार दिया और मुझे ऊपर चढ़ा दिया। ये है इमाम अजीम अबू हनीफा।